हेलो एवरीवन, क्लास टेंथ एंड क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट जो भी एनआईओएस से इस साल अर्थात सन 2019 में अक्टूबर नवंबर की परीक्षाएं देने जा रहे हैं, उन सभी के प्रयोगात्मक परीक्षाएं अर्थात प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के प्रवेश पत्र मींस हॉल टिकट वेबसाइट पर आ चुके हैं। तो कृपया सभी विद्यार्थी उसको डाउनलोड करें, और डाउनलोड किस प्रकार से करना है वो पूरी प्रक्रिया आपको इस वीडियो में समझाई जाएगी। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए, वो भी ध्यान रखें सिर्फ और सिर्फ अभी प्रैक्टिकल के हॉल टिकट आपकी वेबसाइट पर अपलोड हुए हैं, वो भी सभी विद्यार्थियों के नहीं हुए हैं। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। यदि कुछ विद्यार्थियों के आपको प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में समस्या हो, तो क्योंकि अधिकांश विद्यार्थियों के अभी हॉल टिकट यहाँ से डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि अभी अपलोडिंग का कार्य चल रहा है। तो आप सभी को क्या करना है, अगर आपका डाउनलोड हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो आपको चार चार पाँच पाँच घंटे के अंतराल में वेबसाइट पर आकर के अपने रोल नंबर को फीड करके हॉल टिकट डाउनलोड करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। निश्चित तौर पर कुछ ही समय में आप अपना हॉल टिकट अर्थात प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हैं किस प्रकार से आपने अपने प्रवेश पत्र को डाउनलोड करना है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपने वेब ब्राउज़र में इस एड्रेस को टाइप करना है जो कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, admitt.nios.ac.in। एड्रेस पर एंटर करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का दृश्य आएगा जैसा अभी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर आप टॉप बार पर देखें तो राइट कॉर्नर पे आपको प्रैक्टिकल हॉल टिकट सितंबर 2019 दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह का पेज आपके सामने एक ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होते ही आपको एनरोलमेंट नंबर वाले कॉलम पे आपका रोल नंबर फीड करना है। रोल नंबर आपका जब एडमिशन हुआ था तो आपको एक आई कार्ड मिला होगा, उस आई कार्ड पर आपका एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर लिखा रहता है। एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर एक ही चीज़ को कहते हैं। आप यहां पर अपना एनरोलमेंट नंबर फीड करेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट नीचे हॉल टिकट फॉर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ही सेलेक्ट रहने दीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। ध्यान रखिएगा अभी केवल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के हुए हैं हॉल टिकट अपलोड, वो भी सभी विद्यार्थियों के नहीं। धीरे धीरे करके आप चेक करते रहें क्योंकि आज आप देख सकते हैं 11 सितंबर हो चुका है, आने वाले एक दो दिन में लगभग सभी बच्चों के हॉल टिकट उनको प्राप्त हो जाएंगे। जैसे आप अपना यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर फीड करेंगे आपको कुछ इस प्रकार से आपका हॉल टिकट शो होगा जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ केवल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का है। स्टार्टिंग वाली लाइन पे यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा होगा, ठीक है। रोल नंबर के बाद यहाँ पर आपका नेम होगा, ठीक है। आपके नेम के नीचे यहाँ पर आपका फादर नेम होगा, यहाँ पर मदर नेम होगा, ठीक है। यहाँ पर एक क्यूआर कोड होगा, यहाँ पर आपका फ़ोटो होगा, ठीक है। फ़ोटो के बाद यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट्स होंगे लाइन से लिखे हुए, आपने जितने भी सब्जेक्ट लिए थे सिर्फ और सिर्फ किसके, प्रैक्टिकल के, सिर्फ प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट। और प्रत्येक सब्जेक्ट के आगे उसकी डेट लिखी होगी, ठीक है। प्रत्येक सब्जेक्ट के आगे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की डेट लिखी होगी। जैसा आप सभी को मालूम है कब से कब तक है, 16 से 20 वाला लॉट है, एक 21 से 25 सितंबर वाला लॉट है और एक 26 से 30 सितंबर वाला लॉट है। तो ये डेट सभी विद्यार्थियों के हॉल टिकट में अलग अलग होंगे क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ यदि अगर आपने प्रैक्टिकल विषय लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट होंगे और यहाँ पर आपकी उनकी डेट्स होंगी, ठीक है। यहाँ पर आपका डेट्स के जस्ट ऊपर यहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर का नाम लिखा होगा। एग्ज़ाम सेंटर के आगे यहाँ पर एक पूरे स्कूल का नाम होगा यहाँ पर लिखा हुआ। यहाँ पर होगा आपका एक स्कूल का नाम जिसमें आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। बेसिकली ये सेंटर आपका स्टडी सेंटर ही बनता है, मतलब स्टडी सेंटर कह लीजिए या एक्रेडिशन इंस्टीट्यूट, जो आप स्टडी सेंटर सेलेक्ट करते हैं एडमिशन के टाइम पे, आपका वहीं पर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो आपका इस तरह का सा आपका हॉल टिकट होगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का। अब बात आती है कि आपको अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए किन किन चीज़ों को ले जाने की आवश्यकता है, किन किन दस्तावेज़ों को ले जाने की आवश्यकता है प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन में। तो सबसे पहले आपको ये आपका हॉल टिकट जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो आप डाउनलोड करेंगे, एक आपने इसको ले जाना है। दूसरा आप अपना क्या ले जा लेंगे, आधार कार्ड। दूसरा क्या ले जाएंगे आप अपना, आधार कार्ड। आधार कार्ड के बाद आप तीसरे नंबर पर क्या ले जाएंगे, अपना
NIOS का एक आई कार्ड, NIOS का आई कार्ड। तो कुल मिलाकर के आपने सिर्फ और सिर्फ ये तीन चीज़ें ही अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर पर ले जानी है, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर पर ले जानी है। अब बहुत से विद्यार्थी इस बात से तो परिचित हो ही चुके होंगे कि हॉल टिकट क्या होता है, आधार कार्ड से भी आप सभी परिचित हैं, कुछ विद्यार्थियों का NIOS आई कार्ड के बारे में जानकारी नहीं, तो उन्हें बता देते हैं। NIOS आई कार्ड कुछ इस तरीके का होता है, जैसा अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये इस तरीके का कार्ड होता है। ये आपको कब मिलता है, जब आप एडमिशन करा लेते हैं, ये पेपरों से कई टाइम पहले आपको अलॉट कर दिया जाता है एडमिशन कन्फर्मेशन होने का, जहाँ आपका रोल नंबर या स्टार्टिंग में एनरोलमेंट नंबर होता है, मदर नेम आपका नाम, फादर नेम, और यहाँ आपका सब्जेक्ट मीडियम इंग्लिश या हिंदी है, सब्जेक्ट के कोड्स, यहाँ पर आपका एड्रेस, सबसे नीचे वाले बार में आपका स्टडी सेंटर, तो ये सब बातें होती हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपने अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर पर लेकर के जाना है, ठीक है। एक ये समस्या भी बहुत से विद्यार्थियों को अभी आएगी शुरुआती दौर पर कि आपको आपका हॉल टिकट डाउनलोड नहीं होना दिखेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरीके का एक मैसेज आपको आपकी स्क्रीन पर शो होगा। जैसे ही आप अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर सबमिट करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, डियर लर्नर योर हॉल टिकट विल बी डाउनलोडेड ओनली इफ़ यू हैव पेड। मतलब कहने वाली बात है, आपको यहाँ पर एक मैसेज फ्लैश हो जाएगा जिसमें ये दिखाया जाएगा कि अगर आपने अक्टूबर का एग्ज़ाम फीस पे करा है और आपका फ़ोटो सही से अपलोड हुआ है तभी आपको यहाँ पर हॉल टिकट होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अगर आपका अभी हॉल टिकट स्टार्टिंग में नहीं मिल रहा है तो कि आपका एग्ज़ाम फीस पेड नहीं हुआ है और आपने फ़ोटो सही से नहीं दिया। अगर आपने फ़ोटो सही से दिया है और एग्जामिनेशन फ़ीस पे करा है तो निश्चित तौर पर आपको आपका हॉल टिकट प्राप्त हो जाएगा। आपको क्या करना है, निरंतर कुछ समय के अंतराल में इसी वेबसाइट पर आपने चेक करना है, इसी पेज पर आकर जो आपको बताया गया है इसी पूरी प्रक्रिया के साथ निश्चित तौर पर आप कुछ ही समय में अपना हॉल टिकट प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि पहले भी बताया गया है हॉल टिकट अपलोडिंग का काम अभी चल रहा है। तो घबराने वाली बात नहीं है, आपका नहीं आता है कोई घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो से मदद मिला होगा और किस प्रकार से आपने अपना प्रैक्टिकल हॉल टिकट डाउनलोड करना होता है ये आप आसान एवं सरल भाषा में समझ पाए होंगे। धन्यवाद।